ఢిల్లీ ఆర్డినెన్స్ సవరణ బిల్లుపై లోక్సభలో హాట్ హాట్ చర్చ జరిగింది. ఢిల్లీ కోసం చట్టాలు చేసే అధికారం పార్లమెంట్కు ఉందన్నారు అమిత్ షా. ఎవరి అధికారాలను గుంజుకోవాలనే ఉద్దేశం లేదన్నారు. దేశానికి ఢిల్లీకి మంచి కోసమే ఈ సవరణ బిల్లు తీసుకొస్తున్నట్టు చెప్పారు అమిత్ షా. విపక్షాలు అలయన్స్ గురించి కాదు ఢిల్లీ గురించి ఆలోచించాలని చెప్పారు. सभी पक्ष के सदस्यों से विनंती है कि चुनाव जीतने के लिए किसी समर्थन हासिल करने के लिए पक्ष का विधेयक का समर्थन करना या विरोध करना ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए. नया गठबंधन बनाने के अनेक प्रकार होते हैं. विधेयक और कानून देश के भले के लिए लेकर आते हैं. इसका विरोध या इसका समर्थन भी देश के और दिल्ली के भले के लिए करना चाहिए. अगर हमारी राजनीति में थोड़ी स्वीकृति कम है तो सबको मिलाना है. दिल्ली का जो होना है वो हो, जितना भ्रष्टाचार होना है वो हो, मंत्री कुछ भी करे, मुख्यमंत्री करोड़ों के बंगले बनाए, मगर हम विपक्ष में रहते हुए समर्थन करेंगे क्योंकि हमें गठबंधन बनाना है. इस तरह से नहीं सोचना चाहिए. मेरी अपील है विपक्ष के सदस्यों को कि आप दिल्ली की सोचिए, अलायंस की मत सोचिए. अलायंस से फायदा नहीं होने वाला है. अलायंस होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं. इसलिए ये अलायंस के कारण जनता के हितों की बलि मत चढ़ाइए. जनता सब देख रही है. अलायंस कर आप अगर ऐसा सोचते हो कि जनता का विश्वास हासिल कर दिया जाएगा. जनता का विश्वास आपको मिला था, मगर जिस तरह से 10 साल यूपीए ने शासन चलाया, 12 लाख करोड़ के गपले घोटाले करे, इसलिए आज वहां बैठे. और मैं फिर से कहना चाहता हूं, दिल्ली सरकार के गपले घोटाले भ्रष्टाचार को प्रचिन्न रूप से अलायंस की गरज के कारण मदद कर रहे हो. पूरा देश देख रहा है और पूरा देश चुनाव में इसका हिसाब किताब करेगा. ఢిల్లీ ఆర్డినెన్స్ ఫెడరల్ స్ఫూర్తికి విరుద్ధమన్నారు కాంగ్రెస్ లోక్సభ పక్ష నేత అధిర్ రంజన్ చౌదరి. అవసరం వచ్చినప్పుడు నెహ్రూ పేరును బీజేపీ ఉపయోగించుకోవడం కామనైందన్నారు. ఢిల్లీ అధికారాలను గుంజుకోవడం సరికాదన్నారు. తరుణ్ పార్టీకి తరఫ్ సే కల్ సదన్ కో ఠప్ కరాయా గయా. యే హమారీ సంసదీయ పరంపరా మే ఐసా నహీ దేఖా కి యే సంసద్ ఠప్ కరాతే హై ఔర్ తరుణ్ పార్టీ ఖుద్ ఔర్ దూసరీ దేఖా కి हमारे गृह मंत्री नदारद रहे सदन से और स्टेट मिनिस्टर हो वो भी नदारद रही. तो बाद में पता चले कि अंदर की बात क्या है. अंदर की बात यह है कि मोदी जी के साथ हमारे अमित शाह जी शायद कहीं घूमने गए और सदन को अपने भगवान की मर्जी पे खिलौने की तरफ फेंक के चले गए. सर आज जब सदन में आए तो अच्छा लग रहे थे कि हमारे अमित शाह जी बार बार जवाहरलाल नेहरू जी को और कांग्रेस पार्टी को तारीफ कर रहे थे. मैंने सोचा क्या देख रहे हैं भाई, ये दिन है या रात है. मैं तो सोचा कि दौड़ के जाए और अमित शाह की मुंह में शक्कर शहद डाले, क्योंकि अमित शाह की मुंह से नेहरू जी की तारीफ कांग्रेस की तारीफ बकाई ये मेरे लिए बड़ा अचरज लगे. लेकिन कुछ ही समय बाद ये पता चले. मैं ये कहना चाहते हैं आपको, जब जरूरत पड़ते हैं तब नेहरू जी को सहारा लेने पड़ते. आप अगर नेहरू जी को सहारा बराबर लेते रहते तो आज हिंदुस्तान में ये मणिपुर हरियाणा हमें देखने को नहीं होते. ये आप मान के चलिए, ये दिल्ली है दिल्ली, और ये दिल्ली हमारा दिल है. एक दिन मैंने अपने रूह से पूछा ये दिल्ली क्या है. जब जवाब में ये बताया गए मानो आसमान जिस्म है तो दिल्ली उसका जान है.